Sir, 840 crores, approx. बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया है उससे तो आप सभी वाकिफ हैं। फिल्म ने 367.65 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है अब तक, और इस फिल्म की बम्पर सफलता के बाद अजय देवगन तमिल फिल्म कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। हालांकि उनके इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने की अफवाह तो बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन सभी अफवाहों पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब फाइनली अजय देवगन ने खुद अपने सोशल अकाउंट से अनाउंसमेंट की है कि हाँ, वो इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है कि वो तमिल फिल्म कैथी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता एसआर प्रभु ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर को पक्का किया है। साथ ही फिल्म कैथी की घोषणा करते हुए अजय देवगन ने ये भी लिखा कि हाँ, मैं तमिल फिल्म कैथी के हिंदी रीमेक में काम कर रहा हूँ। ये फिल्म फरवरी 2021 में रिलीज होगी। ये फिल्म ड्रीम वॉरियर पिक्चर और रिलायंस एंटरटेनमेंट के एसआर प्रभु प्रोड्यूस करेंगे। आपको बता दें कि फिल्म कैथी के रीमेक में अजय के नाम से पहले सलमान खान, ऋतिक रोशन का नाम भी सामने आया था। हालांकि अजय के इस ट्वीट के बाद तो ये साफ हो चुका है कि फिल्म में वही नजर आएंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। वैसे हिंदी रीमेक का निर्देशन कैथी को बनाने वाले मशहूर तमिल फिल्मकार लोकेश कनगराज ही करेंगे, जिसकी वजह से लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। कैथी पिछले साल दिवाली पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। इसके साथ साथ ही फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। कैथी के निर्देशन और स्क्रीन प्ले को काफी सराहा गया था। मेकर्स को उम्मीद है कि हिंदी रीमेक भी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगी। वहीं तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन निर्माताओं ने कलाकारों के नाम की कोई भी घोषणा नहीं की थी। शुरुआत में कयास लगाए गए थे कि निर्माताओं की नजर फिल्म के मुख्य किरदार के लिए सलमान खान या ऋतिक रोशन पर है, लेकिन बाद में खबर आने लगी कि मुख्य किरदार को अजय देवगन अदा करेंगे, और अब उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली है, और अब एक ट्वीट के रूप में औपचारिक घोषणा करके इस खबर पर सच्चाई का ठप्पा भी लगा दिया है। तमिल भाषा में फिल्म कैथी पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसमें तमिल स्टार कार्ति ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 2021 का साल अजय देवगन के नाम है, क्योंकि इस साल इनकी एक नहीं बल्कि कई बड़ी फिल्में आ रही हैं। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म इंडेक्स इस साल के लिए भरी हुई है। अजय देवगन एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे हैं। हाल ही में वो खुद के निर्माण में बनी सुपरहिट फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में तानाजी मालुसरे के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म रिलीज के बाद लॉकडाउन से पहले तक भी सिनेमाघरों में अपनी धाक जमाई हुई थी। अजय देवगन अब अमित शर्मा की फिल्म मैदान में एक खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। ये फिल्म लेजेंड फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित होगी। इसके अलावा वो फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में एक एयरफोर्स पायलट और निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म चाणक्य में दोहरा किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसी साल अजय एसएस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर से तमिल फिल्मों की सरजमी पर भी कदम रखेंगे। इन सभी के साथ अजय देवगन आपको रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस फिल्म में रणवीर सिंह की झलक भी देखने को मिलेगी। अजय देवगन इस वक्त तानाजी की कामयाबी को एंजॉय कर रहे हैं, जिसने शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। 10 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म अब तक 367.65 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर चुकी है। 2020 में अजय कई अहम फिल्मों में दिखाई देंगे। तानाजी के बाद अजय अगली फिल्म सूर्यवंशी में दिखाई देंगे। अजय अपने सिंघम वाले अवतार में इस फिल्म में एक स्पेशल रोल अदा करेंगे। इसके बाद अजय की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया आएगी, जिसमें वो स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका निभाएंगे। इन फिल्मों में अभिनय करने के अलावा बतौर प्रोड्यूसर भी अपनी जिम्मेदारी अजय बखूबी निभा रहे हैं। अभिषेक बच्चन को लीड रोल में लेकर अजय द बिग बुल बना रहे हैं, वहीं राजकुमार राव के लीड रोल वाली फिल्म छलांग का निर्माण भी कर रहे हैं। वेब सीरीज की दुनिया में अजय त्रिभंगा से कदम रख रहे हैं, जिसमें काजोल लीड रोल में होगी। तो इस तरह से अजय देवगन काफी बिजी शेड्यूल के साथ चल रहे हैं 2020 में और आने वाले साल में भी। तो आप कितना एक्साइटेड हैं अजय देवगन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनकी खुद की फिल्मों को लेकर जिनको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन फिल्मों को लेकर,
मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अजय देवगन एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी कहलाए जाएंगे। वेल, आप कितना पसंद करते हैं अजय देवगन को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।